सर मुझे पूरा यकीन है उसने जाबर को जानबूझकर मारा है। आई विल सी इंस्पेक्टर रंजीत। थैंक यू सर। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ इंस्पेक्टर गीता, जब तक इंक्वायरी कमीशन जाबर की मौत के बारे में पूरी तरह छानबीन न कर ले मुझे मजबूरन तुम्हें सस्पेंड करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी अबाउट। इंस्पेक्टर गीता, जब तक तू मरेगी नहीं मेरे दोस्त जाबर की आत्मा को शांति मिलेगी नहीं। कुत्ते, जब तक मैं तुझे नहीं मारूंगी मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती क्योंकि चंद ही मिनटों में तुम पेट्रोल से जलकर राख हो जाओगी। नीच कमीने, अरे अगर हिम्मत है तो खोल मेरा हाथ। ये तू नहीं तेरी मौत बोल रही है। कौन है तू? शकल देख के ही 12 बज गया क्या? तुम जिंदा हो क्या? अरे अपुन महाराज कब था? फिर कौन हो तुम? अगर तू जलाने वाला है तो अपुन बुझाने वाला है क्या? ओ तो तू बुझाने वाला है। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं जलाता भी खुद हूं और बुझाता भी खुद हूं। और अपुन की भी एक आदत है, अपुन जलाता खुद है लेकिन बुझाता कोई और है क्या? बुझा, कहा था ना कि अपन जलाता खुद है और बुझाता कोई और है क्या?
अरे मेम साहब, तुम कौन हो मेम साहब? मैं उस बदनसीब औरत की बहू हूँ जिसे तुमने अस्पताल में एक बार खून दिया था। अरे अच्छा हुआ मेम साहब तुम मिल गया। वो जो तुम्हारी सासू माँ है ना, वो अपन को बेटा समझती है। अरे मेम साहब अपन किसी का बेटा बेटा नहीं है, तुम जाके समझा देना उसको। अच्छा समझा दूंगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया काय का मेम साहब, पर एक बात तो बताओ, वो गुंडा लोग तुम्हारा दुश्मन काय को बने लाए? क्योंकि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। हाँ, इंस्पेक्टर गीता इंस्पेक्टर अमर की बीवी है और वो हरामजादा जिंदा है। ये तड़पती मछली बिना पानी के एक बार जिंदा रह सकती है? हमारी गोलियों से तड़पता हुआ इंसान तो क्या भगवान भी नहीं जिंदा रह सकता? जूली पता लगाओ ये इंस्पेक्टर क्यों बड़बड़ा रहा है, कहां बड़बड़ा रहा है? अरे इडली डोसा, अरे किधर गई रे तू? अरे ये काय को बम मारता रे? अरे ये ले पकड़। कैसा है? अयो ये सारी तो एकदम मेरा पसंद का है रे, लेकिन कौन सा खुशी मिला रे तू? अरे अपुन का दिमाग खाने के लिए तू आज ही पैदा हुई थी ना, वो इस खुशी में। आज तेरे पैदा होने का दिन है ना? अयो पैदा होने का दिन नहीं रे, आज मेरा जन्मदिन है। अरे हाँ हाँ वो इच तू फटाक से तैयार हो जा, घूमने को जाने का है। अपुन जरा मूड बना के आता है क्या? ए मगर आज मेरा जन्मदिन है, तुम मूड में आके दारू नहीं पीने का या? ए लिडोसा, बगैर दारू पिए कोई पैदा होने का दिन मनाता है क्या? मनाता है हम मनाता है, और आज हमारे साथ तुम भी मनाएगा। आज हम तुमको दारू को टच से करने देंगा जी, आज हम तुमको बाटली भर के रूह अफ़ज़ा का शरबत पिलाएंगा जी। आप बढ़िया। आप बढ़िया। बम्बई ने पैदा किया एड लिडोसा। अपुन कौन? क्या माल दिया ला आंटी ने बाप? ए बम्बैया क्या करता रे तू? अरे कुछ नहीं करता इडली डोसा, थोड़ा रूह अफ़ज़ा को गरम करने लाए क्या? आज हम दारू से नहीं रूह अफ़ज़ा से तेरा मूड बनाएंगा क्या? बना ले। छे कितना कड़वा है रे इडली डोसा। कड़वा? ची ची ची। अरे सच्ची रे बम्बैया कितना बात मारता रे। अयो ये दुकान वाले लोग ऊपर से चापा दूसरा मारता है, अंदर से माल दूसरा डालता है, लेकिन हमारे जन्मदिन का खुशी में पीना जी, हम भी पीना तुम भी पीना। पीता है। लक्ष्मण भैया देखो हमको पहले मालूम था। अरे बम्बैया तुमको हमारा प्यार का कसम जी, आज से तुम ये लड़के लोग का चक्कर में और ये गुंडा लोग का चक्कर में मत पड़ना जी। नहीं पड़ेगा। और वो बम्बैया के नाम से मशहूर है इंस्पेक्टर अमर जिंदा है, और चीता की गोलियों से हरामजादा बच गया, और उसकी पत्नी इंस्पेक्टर बनकर हम सबकी मौत का इंतजार कर रही है। नहीं सागा नहीं। जिस तरह से जाबर की मौत इंस्पेक्टर गीता का प्लान था, उसी तरह से अब इंस्पेक्टर अमर और गीता की मौत हमारा प्लान होगा।
डॉक्टर। देखो बेटे, तुम्हारी सास की कंडीशन बहुत सीरियस है, बार बार अपने बेटे को याद करती हैं और रो रोकर बेहोश हो जाती हैं। यही वजह है कि दिमाग का जख्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कंडीशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सिस्टर, बेड नंबर 3 पर इनकी सास की कंडीशन कैसी है? सर, शी इज वेरी सीरियस, 2 घंटे से बेहोश पड़ी है। ओ माय गॉड। देखिए, इस वक्त इनकी कंडीशन ऐसी है कि इन्हें सिर्फ इनका बेटा ही बचा सकता है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इनका बेटा सामने नहीं आ जाता तो हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, आप कुछ भी कीजिए मगर मेरी सास की जान बचा लीजिए। इनका बेटा यहाँ नहीं आ सकता, वो मजबूर है। मगर ऐसी भी क्या मजबूरी है, माँ के लिए तो बेटे सात समंदर पार से आ जाते हैं। हाँ, लौट आते हैं मगर वो समुंदर पार नहीं, आसमानों के पार चले गए हैं। इनका बेटा, मेरा पति, अब इस दुनिया में नहीं है। बेटी, ये सुहागन दिखने वाली अभागन तो कब की विधवा हो चुकी है, मेरा सिंदूर, मेरी बिंदिया तो कब की मिट चुकी है। डॉक्टर, कब की मिट चुकी है। गीता बेटी, तुम्हारे साथ मेरी पूरी हमदर्दी है, मगर मगर इनके दिमाग में बेटे की तस्वीर इस तरह छाई हुई है कि जब तक वो इनके सामने वापस नहीं आ जाता, ये केस हमारे लिए बहुत मुश्किल। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, ऐसा मत कहिए। अपनी मां समान सास को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, बड़ी से बड़ी कुर्बानी दूंगी। मैं उसे ले आऊंगी जिसे मेरी सास अपना बेटा मान चुकी है। अरे बम्बाया, तू तो अपन को दिखेज नहीं रह लाए। क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग। अरे इंस्पेक्टर साहब, इतना रात को तुम अपुन का घर में, क्या वो परतूस लोग वापस पीछू पड़ गए लाए क्या? ओ बास अरे लाइना, वो क्या अपुन ने आज थोड़ा सा माफ करना है सर। तुम खड़ा गए हो सर, बैठो ना बैठो ना। टूटेला सारा अपुन झाड़ू मारता है सर। और ना बैठो ना सब, बैठो ना। मांगने वाले बैठा नहीं करते लक्ष्मण। अरे मैम साहब, अपुन के इस टूटेले फूटेले घर में है क्या तुमको देने के लिए? देखो मैम साहब, तुम अपुन के साथ मजाक नहीं करना, नो जोकिंग में प्लीज। तकदीर ने जिसके साथ हर मोड़ पर मजाक किया हो, वो किस्मत का मारा किसी के साथ क्या मजाक करेगा। लक्ष्मण, मैं अपनी सास की जान का दान तुमसे मांगने आई हूं। अगर 24 घंटे के अंदर तुमने उन्हें चलकर मां नहीं बोला तो वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी। अरे मैम साहब, क्या की बंबई में तुमको ये काम करने का वास्ते अपुनिश मिला है क्या? हाँ, एक तुम, सिर्फ तुम, एक तुम ही तो हो लक्ष्मण, जिसे मेरी सास अपना बेटा मान चुकी है। एक तुम ही तो मिले हो जिसका खून मेरी सास के खून से मिलता है। एक तुम ही तो हो जो मेरे पति का हमशक्ल है। और इसका वास्ते तुम हमारा बम्बैया को अपने पास बुलाता है? अरे बम्बैया ने तुम्हारा थोड़ा साथ दिया तो आपका गट टूट गया, आपका साथ देगा तो आपका बम्बैया टूट जाएगा। बीच में मत बोलो रे। लेकिन अम्मी मद्रास का पानी पिया रे। अरे इतना छोटा सी इतना बड़ा किया हमारा बम्बैया को और तुम रेडीमेड माल जाने को मांगता है? नहीं बहन, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए इन्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ ताकि अपनी सास को इनका चेहरा दिखा सको। और फिर जिंदगी भर हम इसका शक्ल देखने के लिए दिन में लैंटर लेके घूमेगा ढूंढेगा।
अरे बम्बैया, तुमको मेरा कसम रे, मेरा प्यार का कसम, तू इस लड़की के चक्कर में मत पड़ना। भगवान के लिए ऐसा मत कहो बहन। अरे ओ मैम साहब, अब आपका ये पति बनने का नाटक अपुन से नहीं हो सकता है क्या? और एक टाइम अपुन की डार्लिंग सुंदरी ने कह दिया ना, नाको मीन्स नाको फिनिश। सुंदरी, मर्द का दिल पत्थर होता है ये मैंने सुना था, लेकिन औरत का दिल उससे ज्यादा सख्त होता है ये मैं पहली बार देख रही हूं। मगर एक बात याद रखना, जब मेरी सास अपनी जिंदगी की सांसें छोड़ दे तो उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए अपने लक्ष्मण को जरूर भेज देना, क्योंकि उसके दिए हुए खून की बूंदें मेरी सास की आत्मा पर एक कर्ज है, एक उधार है, उनकी चिता पर जरूर भेज देना। मगर तूने ये क्या हुलिया बना रखा है? जो बेटा अपनी माँ से दूर हो जाता है ना, उसका हुलिया ऐसा ही हो जाता है माँ। अब माँ से दूर मत जाना बेटे, देख कितना दुबला हो गया है। अब तो अपुन भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। मेरे सर की कसम। अरे तेरा सर तो बहुत कीमती है माँ, मुझे अपुन की सर की कसम, हमेशा तेरे आंखों के सामने रहूंगा। तेरा बहुत अच्छा है। सांगा, ये 1 करोड़ का माल है, इस सौदे के बाद हम सब माला माल हो जाएंगे, लेकिन पुलिस से खबरदार। इसका फिक्र ना कर रंगा, ये समझ कि हम माला माल हो गए। That's good. क्या किया आपने? मेरे बाबा और मेरे पति के कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। गीता जी, बाकी का काम तुम अपुन पे छोड़ दो। अपुन की खोपड़ी में एक आइडिया आया है, जिससे तुम्हारा बाकी का दुश्मन भी सामने आ जाएगा और ये खेल भी खलास हो जाएगा। क्या? हेलो, हाँ रिपोर्टर शर्मा, आपको पता है कि इंस्पेक्टर रंजीत वाघमारे ने क्या किया है?
सुना बे, अरे अबे सीधा खड़ा रहना, मुर्दे के माफक इधर खड़ा। अरे अरे सांगा मर गया, इंस्पेक्टर वाघमारे ने उसे मार डाला, अब पुलिस वाले मेरे सांगा की मौत का जश्न नहीं, इंस्पेक्टर वाघमारे की मौत का मातम मनाएंगे। फोन करो उस हरामजादे को और कहो कि जूली उससे मिलना चाहती है। गीता के पति अमर का भूत आपके पीछे लग गया ना, तो आपका नशा तो क्या आपकी वर्दी भी उतर जाएगी, वर्दी भी उतर जाएगी। डार्लिंग, ये क्या, तुमको अभी से पसीना आने को चालू हो गया? वेल, तुम्हारे इंतजार में पसीने छूट रहे हैं। और तुम्हारा पेपर में कारनामा देखकर हमारा जान निकल गया। अच्छा, इसीलिए तुमने उस गुंडे को मारने की खुशी में हमें यहाँ पर पार्टी दी है? इधर नहीं, पार्टी तो हम तुमको खंडाला में देगा। खंडाला में? चलो हाँ, चलो खंडाला चलते हैं। खंडाला डार्लिंग, ये खंडाला की जगह हम कहीं अंबाला तो नहीं पहुंच गए? वो रुपयों का बैग कहाँ है? बोल हरामजादे, तूने मेरे सांगा को क्यों मारा? अरे लेकिन जूली डार्लिंग, शट अप। अरे मेरी माँ, वो तो मेरे घर मरा हुआ ही पहुंचा था। हम तुम्हारी जान बख्श सकते हैं अगर तुम हमारा माल वापस कर दो। बता बैग कहाँ है, बता। ये रहा बैग। खून को देखकर खून खोलते तो सुना था, लेकिन एक इंस्पेक्टर को पिटते देखकर दूसरे इंस्पेक्टर को तकलीफ होगी ये पहली बार देख रहा हूं। खैर लाओ बैग। एक शर्त पर, वाघमारे को छोड़ दो। मंजूर है। गीता जी मुझे माफ कर दीजिए। पकड़ लो इन दोनों को। सौदे में धोखेबाजी तो जायज है इंस्पेक्टर। राइट, इसीलिए मैंने नोटों के बैग में टाइम बॉम्ब रखा है जो किसी वक्त भी फट सकता है। सौदेबाजी में धोखेबाजी जायज है, इसमें कोई बॉम्ब नहीं है। शूट देम।
बाघ मारे जी, आप इन्हें गिरफ्तार कर लो। जी। मुझे माफ कर दो बागू। बागू अत अपन आत्मा दी बागू है। शेर जैसा इंस्पेक्टर अमर जीता के हाथों मारा गया और अब उसकी जख्मी शेरनी जीता से पंजा लड़ाने आई है। मैं तेरा खून पी जाऊंगी हरामजादे कमीने। कमीना नहीं, कुत्ता हूं मैं। इसीलिए तो गले में पट्टा डाल के घूमता हूँ। तूने कानून का चक्कर बहुत चलाया मगर चीता तेरे जाल में नहीं आया, बल्कि तू हमारा माल लेकर हमारे ही जाल में चली आई। लेकिन पालतू नहीं, शिकारी, जंगली, मेरे यारों की कातिल। अबे ओ बम्बैया, छोड़ दे मेरे साथी को वरना तुझे बम्बई से नहीं सारी दुनिया से गायब कर दूंगा। अबे ओ ढक्कन, तेरे टकले पे बाल नहीं है और खोपड़ी में माल नहीं है क्या? मगर तेरा माल रंगा के पास है। साला। अबे ओ टकलिया, अच्छा हुआ तू अपुन की सुंदरी को लेके आया, इसके बिना मारामारी में मजा नहीं आ रहा था क्या? अबे ए बम्बैया, ये तेरा नहीं, ये रंगा का एरिया है, रंगा का। अबे ए टकलू, अपुन एक सीटी मारेगा ना तो तेरा एरिया अपुन का हो जाएगा क्या? काय सुंदरी, सीटी मारू काय? अयो मार ना सीटी, जल्दी सीटी मार। Thank you.
अभी अपन सीटी नहीं बजाएगा, तेरे थोबड़े का बारा बजाएगा। मार, ए चुया, मार मुझे, मारो। अभी अभी चीता को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। ए बुढ़िया जी, मैं आपका हरामी जवाई पाए लगी जी। मैं चीता और वो हराम खुदा। तू समझती है वो तेरा बेटा है? वो इंस्पेक्टर अमर नहीं है। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपन तुमसे वादा कर,